सबवूफर वहां पर रख के हिला के दिखाऊंगा, लोहे की चीज। अगर किसी में दम है तो ऐसी टेस्टिंग दे के दिखा दे ताकि जो आपको फेक टेस्टिंग देते उसको रियल में बदल पाऊं। वहां पर आपको पानी भी हिला के दिखाया, वो भी लोग पास में रख के हिलाते हैं, पर मैंने वहां से 25 फुट की दूरी पे ही करके दिखाया ये काम, सिर्फ इसीलिए कि भाई आप पैसा बड़ी मेहनत से कमाते हो और क्या होता है कि मिडिल क्लास जो है इन चीजों से बहुत परे रह जाता है, जिसको लेने के लिए जो है पूरा भारत जो है वो इंतजार कर रहा है अपने जो है नीचे। छोटे से छोटा चाहे बड़े से बड़ा सिस्टम पूरी कैलिब्रेशन के साथ हम लोग देते हैं, ताकि जब आप स्लो से वॉल्यूम फुल करें तो आपको जो है जो इसके पार्ट से लेके कॉम्पोनेंट से लेके इसके सबवूफर से लेके इसकी कैबिनेट से लेकर यहाँ पर इसके पैनल से लेके हर चीज की डिजाइनिंग जो है हम खुद अपने एंड से करते हैं। नॉर्मल माइक और यूएचएफ फ्रीक्वेंसी जो सेट करने वाले माइक उनमें क्या डिफरेंस रहता है। और इसके अलावा एक चीज और आपको दिखाता हूं, जैसे हेलो आप मेरी आवाज को यहां पर सुन रहे हो मुझे, आज ज्यादा मॉडल नहीं दिखाएंगे, सीधा सीधा हम लोग जो है तीन मॉडल की बात करेंगे यहाँ पर। अच्छा जी। एक तो हमारा मैक्स जो है हीरा 5 मैक्स यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर हीरा 5 अल्ट्रा मॉडल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है हम लोग बात करेंगे अपने बिग फ्लेम पार्टी बॉक्स की। क्यों? क्योंकि काफी लोगों की डिमांड आई है कि दोस्तों को आगे आगे बताएंगे कि क्या क्या हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, क्यों हमसे आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए, और किस लिए फ्लोबिट्स ने इतने कम टाइम के अंदर ये ग्रोथ ली है, और क्यों आप लोग हमें इतना प्यार देते हो, सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। मचा दूंगा, आग लगा दूंगा, जहां भी जाएगा ये प्रोडक्ट दुनिया तमाशा देखी खड़े हो गए, बस यही मेरी सोच है और यही मेरा काम करने का तरीका है। जब तक रहूंगा नंबर वन पे रहूंगा, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमें पीछे करके दिखा दे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको लिया है बेस के दीवानों के लिए, बेस के समुंदर के अंदर लेके आ गए इस ब्रांड को, किसी पहचान की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मिलते हैं दोस्तों तगड़े तगड़े बेस वाले अपने स्पीकर्स, और वैरायटी की बात करें, क्लैरिटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको भर भर के मिल जाएगी। लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे यहाँ के ओनर से, जो हमें बताएंगे सारी डिटेल। तो हेलो सर, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। वैसे तो इस नाम को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारे साथ नए व्यूअर्स आज की वीडियो में जुड़ रहे हैं उनके लिए एक बार फटाफट से फर्म के बारे में बताइए, एड्रेस क्लियर करिए। जी हाँ, फ्लोबिट्स मेरे ब्रांड का नाम है, बेसिकली एक स्टार्टअप्स है उन लोगों के लिए जो लोग पैसा तो खर्च करते हैं पर बेस के लिए कहीं ना कहीं उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो है ये स्टार्टअप स्टार्ट किया गया इंडिया के अंदर। और इसी के साथ हम लोग इस स्टार्टअप के थ्रू जो है रोलिंग बेस के अंदर डील करते हैं। फ्लो बीट्स मेरे ब्रांड का नाम है, और ये फर्म जो है इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर जो है लोकेटेड है, जो कि RZ119 रविनगर एक्सटेंशन नियर केशवपुर सब्जी मंडी गेट नंबर 1। okay. और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन हमारा सुभाष नगर रहने वाला है, नंबर जो है स्क्रीन के ऊपर दिया गया, वहां पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया तो डिलीवरी थी ही, ग्लोबली डिलीवरी भी स्टार्ट हो चुकी है। 31 कोरियर पार्टनर हमारे साथ जुड़े हैं, और अभी तक जो है हम लोग 2 लाख प्लस जो है डिलीवरी जो है वो भी पूरी सक्सेस के साथ कर चुके हैं। और इसके साथ साथ जो है बड़े से बड़ा भारी से भारी टावर स्पीकर जो है वो यहाँ पर फ्लोबिट्स द्वारा जो है एक से दूसरे कोने तक इंडिया के अंदर जो है वो डिलीवर कर चुके हैं। तो ये सारी अचीवमेंट जो है वो फ्लोबिट्स के हिस्से में आती है, और काफी कम टाइम के अंदर ये अचीवमेंट हमने लिया। बाकी चीजें आपको आगे आगे बताएंगे कि क्या क्या हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, क्यों हमसे आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए, और किस लिए फ्लोबिट्स ने इतने कम टाइम के अंदर ये ग्रोथ ली है, और क्यों आप लोग हमें इतना प्यार देते हो, सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, बात करें सर प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स तो अपने पास बहुत सारे हैं, हीरा सीरीज पूरी की पूरी बिछा रखी, लेकिन कुछ नए मॉडल भी इंट्रोड्यूस करे हैं आपने, है ना, रिसेंटली कुछ नए लॉन्चेस भी हुए, सारी डिटेल दीजिए आज की इसी वीडियो में। जी हाँ, मैं ज्यादा डिटेल की बात करूं तो आज ज्यादा मॉडल नहीं दिखाएंगे, सीधा सीधा हम लोग जो है तीन मॉडल की बात करेंगे यहाँ पर। अच्छा जी। एक तो हमारा मैक्स जो है हीरा 5 मैक्स यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर हीरा 5 अल्ट्रा मॉडल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है हम लोग बात करेंगे अपने बिग फ्लेम पार्टी बॉक्स की। क्यों? क्योंकि काफी लोगों की डिमांड आई है कि दोस्तों कि सर हमने कहीं से प्रोडक्ट लिया, हमें 13,000 का भी मिल गया, हमें 12,000 का भी मिल गया, मगर फ्रॉड हो गया हमारे साथ। क्यों? क्योंकि बैटरी बैकअप प्रॉपर वो नहीं मिल पाया, कह के भी वो नहीं दिया, उसके अलावा जो माइक उसके अंदर आप दिखाते हो वो वाले माइक नहीं है, और RMS वॉट की भी कोई जानकारी ढंग से नहीं देते। तो सारी डिटेलिंग कवर करेंगे बिल्कुल बारीकी के साथ और ब्रीफली, सिर्फ तीन मॉडल के ऊपर आज बात होगी। बिल्कुल दोस्तों, जो फ्लोबिट्स बोलता है, चाहे साउंड के बारे में बोले, चाहे बात हो बेस की, यहाँ पे इतने सारे बेस के फॉर्मेट है,
चाहे अपना रोलिंग हो, डीप हो, अल्ट्रा हो, अल्ट्रा डीप हो, और मॉडल्स की बात करें तो 1 to 5 तक सारी रेंज आपको एक छत के नीचे देखने के लिए मिल जाती है, और वो सिर्फ उसे प्रोवाइड करते हैं पाजी यहाँ पे। बात करते हैं सर स्टार्टिंग की, तो कहां से स्टार्ट कर रहे हो? स्टार्टिंग रेंज की बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए पार्टी बूस्टर मिल जाता है, जो कि डबल टावर के अंदर रहने वाला है। बेसिक मॉडल ये मेरे कहने पर बेसिक है। अच्छा। अगर मार्केट के अकॉर्डिंग बात करूं तो यही चीजें आपको जो है 5-5, 7-7 हज़ार से कम नहीं मिलती। अच्छा, फिर भी ऐसी चीजें आपको ऐसे कॉम्पोनेंट कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये डबल टावर के अंदर आपको 5.5 इंच जो डिलीवर कर रहा है बेस, उसके लिए आईसी पीछे 72-65 आईसी दी गई है, क्योंकि नॉर्मली 20-30-20-50 आपको आईसी मिलती है वहां पर। और उसके अलावा नोटिस करिए कि कभी भी आप जब वॉल्यूम फुल करते हैं तो बेस जो है भाग जाती है, और उसके अलावा वोकल जो है वो कभी आपको क्लियर नहीं आते। पर यहाँ पर आपको छोटे से छोटा चाहे बड़े से बड़ा सिस्टम पूरी कैलिब्रेशन के साथ हम लोग देते हैं, ताकि जब आप स्लो से वॉल्यूम फुल करें तो आपको जो है जो स्लो के अंदर वॉल्यूम आया बेस आई है वही आपको जो है फुल के अंदर आए, या कि नहीं जीरो से लेके एंड तक आपको एक ही वोकल बैलेंस बेस मिलेगी ये, क्योंकि 7265 जो इसके अंदर आईसी इस्तेमाल की है, उसके अलावा जो इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर में इस्तेमाल किया गया, जितने एम्पेयर उसको चाहिए उतने ही एक्चुअल में एम्पेयर दिए जाते हैं, ना कि एम्पेयर कम करके करंट बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से ये आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो ये तो रहा बेसिक मॉडल की बात। आगे मैं आपको, मैंने बोला था कि आज आपको ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, सीधा फोकस करेंगे अपने बिग फ्लेम पार्टी बॉक्स की तरफ, और उसके अलावा हीरा 5 प्रो मैक्स और अल्ट्रा की तरफ। पहले उनकी बात करें, उससे पहले यहाँ पर आपको बिग फ्लेम पार्टी बॉक्स की बात कर लेते हैं। बिग फ्लेम पार्टी बॉक्स के अंदर आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, उनमें से सिर्फ आज आपको एक दिखाऊंगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये 100 आरएमएस वॉट के अंदर नहीं है, ये 200 आरएमएस वॉट के अंदर रहने वाला है। इसके अलावा कंसोल की बात करें तो एसी डीसी दोनों रहेगा। अब पहचान क्या है इसकी, कि इसके साथ जो है 7 घंटे बैटरी बैकअप मिलता है, जिसके अंदर 12 mAh की बैटरी मिलती है, नहीं तो नॉर्मल जो है आपको बैटरी 7 एम्पेयर की मिलती है, 12 की नहीं मिलती। 7 एम्पेयर मतलब 4 घंटे बैकअप, मगर इसके अंदर 12 एम्पेयर की मिलेगी। और इसके अंदर जो माइक मिलेगा वो आपको अल्ट्रा HD UHF माइक मिलेगा, जिसके अंदर आपको 800 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, जो कि 50 मीटर रेंज वाली होगी। अब यहां पर भी गौर करने वाली बात है, 50 मीटर रेंज या कि नहीं, 15 मीटर रेंज वाला नहीं, 50 मीटर रेंज वाला माइक दूंगा, जो कि आपकी आंखों के आगे से प्रोडक्ट गायब हो जाएगा, मगर जो है माइक की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं होगी, वो कंटिन्यू रहेगी। और इसकी अगर हम बात करें, अगर आपकी आवाज, आप बिगिनर है तो आपके लिए सबसे बेस्ट है, आपको यही माइक लेने चाहिए, मेटल वाले माइक भी आपको दिखा दूंगा। उसके अलावा इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्लेम चेक करवाता हूं आपको, जो कि कोई नहीं बताएगा ये बात आपको। यहाँ पर देखिए डबल फ्लेम आपको नजर आ रही है, अंदर के रिंग का अगर आप कलर देखेंगे तो दूसरा है, और बाहर का है दूसरा है, यहाँ के नहीं। इसके अंदर आपको यहाँ पर देख लीजिए डबल फ्लेम मिलता है, और एक चेक करके दिखाऊंगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपको देखेंगे, देखिए यहाँ पर अलग जो है अंदर का रिंग अलग वर्क कर रहा है, और यहाँ बाहर का फ्लेम जो है वो अलग वर्क कर रहा है, क्योंकि डबल फ्लेम इसके अंदर चलता है, जबकि नॉर्मल जो आप देखते हैं जो 12-13 हज़ार वाली आपको मार्केट के अंदर मिलती है, उसके अंदर सिंगल फ्लेम होता है। ऐसी बहुत सारी डिटेलिंग है आपको दे सकता हूं, और ये TWS फीचर के साथ है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, अगर आप लाइट ऑफ करना चाहे तो लाइट ऑफ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये माइक का वॉल्यूम मिलता है, और ये पूरे सिस्टम का वॉल्यूम मिलता है, और ये बेस ट्रबल आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। एक्स्ट्रा बेस के फीचर के साथ है 100 वॉल्यूम के अंदर, जो कि हमारा साउंड सिग्नेचर मेन है, कि हम लोग जो लोअर फ्रीक्वेंसी आपको बहुत जबरदस्त देते हैं, जो कोई बड़ा ब्रांड छोटा ब्रांड आपको नहीं देता। यहाँ पर आपको जो है लोअर फ्रीक्वेंसी यानी स्लो वॉल्यूम के अंदर आपको बेस चाहिए, तो एक्स्ट्रा बेस के साथ जाके लोअर फ्रीक्वेंसी में भी जो अपना प्ले कर सकते हैं साउंड सिस्टम को। और प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपए के अंदर 2 UHF माइक के साथ मिल जाएगा। एक बार इसको प्ले करते हैं और आपको माइक भी इसके दिखाते हैं। पाजी साउंड तो बड़ा जबरदस्त है, जैसे आपने बोला, जैसे कि फ्लेम लाइट का फर्क बताया आपने, आरएमएस का फर्क बताया, बिल्कुल एग्जैक्टली डिट्टो फर्क निकला ही निकला यहाँ पे मार्केट के साउंड में, और इसमें फर्क था बहुत ज्यादा। राइट, बिल्कुल। अब एक और फर्क आपको निकालते हैं यहाँ। अच्छा, पर देखिए ये UHF माइक, देखिए इंग्रेविंग के अंदर UHF माइक लिखा हुआ है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरी आपको जो है यहाँ फ्रीक्वेंसी भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, और इसके साथ आपको माइक ऑन करके एक बार इसकी फ्रीक्वेंसी बता देता हूँ, जो कि UHF जो है 700 होती है फ्रीक्वेंसी, ये 700 से ऊपर 800 जाता है, वो भी मैं आपको दिखा देते हैं। अच्छा, ओरिजिनल माइक तो दोस्तों वही होता है जिसमें आप फ्रीक्वेंसी UHF सेट कर पाओ, वही असली UHF होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ आपको दिखा रहा हूँ 675.8,
ये जो है यूएचएफ की फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा इसके चैनल भी आप चाहे तो यहाँ से सेट कर सकते हैं, देखिए चैनल 1-5 सारे इसके अंदर वॉल्यूम आपको मिल जाएगा अप टू डाउन। तो ये जो है आपको पूरी डिटेल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाए कि नॉर्मल माइक और यूएचएफ फ्रीक्वेंसी जो सेट करने वाले माइक उनमें क्या डिफरेंस रहता है। और इसके अलावा एक चीज और आपको दिखाता हूँ, जैसे हेलो आप मेरी आवाज को यहाँ पर सुन रहे हो, मुझे अगर आपको लग रहा है अभी यहाँ पर जो है मैंने फ्रीक्वेंसी डाउन कर दी है, अब यहाँ पर देखो मेरी आवाज अगर भाग के इसको पतला करते हैं, यहाँ पर मैं बेस को जो है बिल्कुल जीरो कर दूंगा यहाँ पर, बिल्कुल ये देखिए यहाँ मैंने बेस को कम कर दिया और यहाँ ट्रबल को फुल करके मेरी आवाज जो है काफी जो है थिन हो चुकी है यहाँ। तो ये चीजें आपको जो है सिर्फ और सिर्फ मिलती है जिसकी वजह से आप समझ पाए कि भाई ओरिजिनल और डुप्लीकेट में क्या फर्क रहता है या फिर क्वालिटी प्रोडक्ट में और एक एवरेज प्रोडक्ट में क्या फर्क रहने वाला है। तो प्राइसिंग भी आपको बता दी, प्रोडक्ट की टेस्टिंग भी दे दी, माइक की भी टेस्टिंग आपको दे दी है। तो जो सिंगर्स हैं, प्रोफेशनल हैं या फिर जो है बिगिनर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। और ऐसे माइक आपको जो है दो मिलते हैं यूएचएफ देख लो, तगड़े वाले दो माइक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इसमें, जो कि मतलब तबाही मचा देंगे आपके कैरोके सिस्टम के साथ। जी राइट। और इसके बाद मुझे कौन सा मॉडल दिखा रहे हैं फिर? इसके बाद सीधा हम बढ़ते हैं अपने जो है वन एंड ओनली लेटेस्ट मॉडल की तरफ, जिसको लेने के लिए जो है पूरा भारत जो है वो इंतजार कर रहा है। आपने जो है नीचे मैसेजेस देख ही लिए होंगे जो मेरे इंस्टाग्राम मेरे यूट्यूब है या फिर और भी वीडियोस है उसके नीचे भी देख लो कि पाजी डिलीवरी कब होगी, मैंने 3 महीने पहले बुक करवाया, मैंने 4 महीने पहले, और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने 1-1 साल पहले बुक करवाया, ऐसा क्यों है? मैं अपने प्रोडक्ट को जो है इस तरीके से डिजाइन करता हूं कि जब ये किसी के पास पहुंचे तो 150 करोड़ की पॉपुलेशन में सबसे हटके खड़ा हो। और अगर मैं ये भी कहूं कि ये हीरा 5 प्रो ऐसा है कि मुर्दे को उठा देता है या फिर जो है उठे को गिरा देता है, इसमें कोई भी जो है 1% भी डाउट नहीं रहने वाला। तो यहां पर हीरा 5 प्रो मैक्स अगर मैं डिस्क्रिप्शन की बात करूं, डबल टावर के अंदर 40 इंच हाइट के अंदर ये रहने वाला है और यहाँ पर 10 इंच आपको फ्रंट फायर वूफर के अंदर 1, 2, 3, 4 वूफर्स मिल जाते हैं, जिसकी मैग्नेट साइज की बात करें तो 135 प्लस 120 मैग्नेट मिलती है। और वोकल के लिए इस बार यहाँ पर 5 इंची जो है यहाँ पर मिड इस्तेमाल किया गया है, मगर उसके अंदर जो है इस बार आपको जो मैग्नेट है वो बढ़ा दी गई है ताकि वोकल ना कटे, और यहाँ पर 4 इंची जो आपको हाइज मिल जाती है। साथ ही साथ इसके अगर अपर पार्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो कोई नहीं करके दिखाता, फ्लो बिट्स वही करके दिखाता है, क्योंकि जहां से बाकी लोग सोचते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिजाइन करने के लिए उससे आगे हमारी सोच चलती है। बट मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं कि यहां पर इंडिया की अगर बात करें तो फ्लो बिट्स वन ऑफ द एक ऐसा मैन्युफैक्चरर है कि जो कि अपने प्रोडक्ट को जो है शुरू से डिजाइन करके बिल्कुल एंड तक, यहाँ की नहीं इसके पार्ट से लेके कंपोनेंट से लेके इसके सबवूफर से लेके इसकी कैबिनेट से लेके और यहाँ पर इसके पैनल से लेके हर चीज की डिजाइनिंग जो है हम खुद अपने एंड से करते हैं, मतलब ताकि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा, एक ऐसा एक्सपीरियंस दे जो कि आपने आज से पहले कभी ना किया। और मेरी सोच ये है कि अपने प्रोडक्ट से मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा, और अब से पहले ये चीजें जो है चाइना से इंपोर्ट होकर आती थी मगर उसके अंदर एक ही कमी मिलती थी आपको कि लुक तो मिल जाती है मगर आपको साउंड नहीं मिलता, तो ये कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। और ये चाहे आप लिखवा के ले लो, चाहे आप कहीं भी जाकर टेस्टिंग ले लो, मगर अब जो है 5 के टाइम पे ये चीज खत्म हो चुकी है। अब आपको ना लुक के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना साउंड के अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि साउंड के अंदर तो फ्लो बिट्स ने अपना झंडा गाड़ा ही हुआ है, चाहे हम बात करें हीरा 3 प्रो के टाइम पे, चाहे बात करें हीरा 4 प्रो के टाइम पे, यहाँ पर जिस जिस घर में ये सिस्टम गया है पड़ोसियों ने जो है वहां से जो है अपनी आवाजें ही उठाई है या आवाजें ही उनकी दबी है। तो ये चीज जो है सिर्फ एक सोच के साथ इस प्रोडक्ट को हम लोग बनाते हैं कि भाई जहां चलेगा वहां सब कुछ हिलेगा। और यहाँ पर अगर हम सर्किट की बात करें तो 5200 के 4 MOSFET इस्तेमाल किए गए, और MOSFET भी यहाँ पर हम लोकली नहीं लगाते, जापान के ओरिजिनल तोशिबा के लगाते, खुद से इंपोर्ट करते हैं और खुद से कॉम्पोनेंट को डिजाइन करते हैं। इवन के PCB मेरा खुद का डिजाइन किया गया, 1300 वॉट के अंदर ये रहने वाला है, 13.5 mm जो है वॉल की थिकनेस इसके अंदर रखी गई है, और इसके अलावा हीट सिंक जो है एज यूजुअल जो है हीरा 4 प्रो की तरह रखी गई है ताकि लॉन्ग टाइम तक आप प्ले कर पाए। इसके अलावा HDMI ऑप्टिकल इनका ऑप्शन भी दिया गया है आपको, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज आपको फेस करना पड़ता है वो है कि जब चीज हाई एंड हो जाती है, यानी जब आपकी बेस हाई एंड हो जाती है तो वहां पर वोकल जो है कभी क्लियर नहीं होते, ट्रबल कभी क्लियर नहीं होती, हमेशा मिसमैच चलता है। तो पूरी कैलिब्रेशन के साथ सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है 1 Touch Access से हमने जो है इसको डिजाइन किया, या कि नहीं एक क्लिक पे हम अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने साउंड को डिजाइन करने के लिए कैपेबल है। ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि मेरी टीम कैपेबल है, मैं कैपेबल हूं, अपने हमारी जो सोच है वो सबसे हटके है। तो एक बार प्ले करते हैं यहां पर 5 प्रो मैक्स को
और इसकी टेस्टिंग आपको देते हैं। हेडफोन जरूर लगा लीजिए, क्योंकि यहां पर जो है नीचे और भी बहुत सारी वीडियोस जो है आपको रिकमेंडेशन में आएगी, पर मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ रोड साइड प्रोडक्ट उनको मानता हूं, क्योंकि बनाने वाला कोई है, बेचने वाले सारे हैं। जब तक आपकी सोच अलग नहीं है तब तक प्रोडक्ट अलग नहीं हो सकता, तब तक प्रोडक्ट हटके नहीं हो सकता। तो एक बार प्ले करते हैं यहाँ पर मैक्स को। दोस्तों हेडफोन लगा लीजिए। टेस्टिंग तो आपने मैंने देखा बहुत चीजें लगा रहे थे, लेकिन लाइव टेस्टिंग हो रही है तो आप ही पानी लगा के दिखाओ। लो अब हिलाओ उसको, यहाँ तो कुछ भी, यहाँ तो मेरा ये छोटा ये भी हिला देगा ब्लेंडर, मैंने इसके पास रखोगे पानी हिला दो ना। हम अलग करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो आज से पहले किसी ने देखा हो। ये यहाँ से जो है पूरा, वहां से अगर डिस्टेंस देख लो वहां से यहाँ का पूरा 20 से 25 फुट का डिस्टेंस है, इसको यहाँ पर रखता हूँ। अब नहीं हिलेगा बाजी, मैं तो जा रहा हूँ, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना यहाँ पर। ये तो खाली पानी हिला है, मतलब यहाँ पर कुछ देखने वाले हो गए भैया, ये तो नॉर्मल सी बात है, मगर यहाँ पर अल्ट्रा चला के दिखाऊंगा और अल्ट्रा से 10 इंची का ऊपर वहां पर रख के हिला के दिखाऊंगा। लोहे की चीज, अगर किसी में दम है तो ऐसी टेस्टिंग दे के दिखा दे। यहाँ पर जितने भी लोग YouTube पर बोलते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, हमारा प्रोडक्ट वैसा है, तो मैं बोलता हूँ भाई ये चैलेंज एक्सेप्ट करो और ये काम करके दिखाओ जो मैं करके दिखाऊंगा। चेक कर लेते हैं तो आओ आपको ये भी टेस्टिंग दे पाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर दिल थाम के बैठ जाना है, ऐसी टेस्टिंग देने जा रहा हूँ। बाजी बाजी रुको रुको, मैं कह रहा हूँ भाई बोलना बोला तो ठीक है, लेकिन खुदा का थोड़ा खौफ तो रखो, ये लोहा ही लाओगे यार। खौफ मैंने बहुत खाया है, मगर क्या करूं कि मुझे यहाँ पर कुछ प्रूव करके दिखाना है, इसलिए मैं बड़ी बड़ी बातें कर जाता हूँ और बड़ी बातों पर खरा उतरने के लिए अपने बड़े कामों को अंजाम देता हूँ। इसलिए बोलता हूँ कि भाई एक साल में एक बार आता हूँ, मगर तूफान मचा के जाता हूँ, जो कोई नहीं कर पाता वो मैं करके दिखाता हूँ। द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ बेस, आप जहाँ जाते हो वहां कुछ होता नहीं, मेरे यहाँ बेस से कोई समझौता नहीं बाजी। लेकिन वो तो चलो वो प्लास्टिक था, पानी था, पर ये लोहा है। तो आओ लोहे के ऊपर एक बार हम लोग टेस्टिंग देते हैं। ये वीडियो कट नहीं होनी चाहिए, हेडफोन भी लगा लो। वहां पर पड़ा है अल्ट्रा और यहाँ पर पड़ा है एक हमारा 10 इंची सब ऊपर 120 मैग्नेट। तो देखते हैं आज ये काम करता है कि नहीं करता, ये हिलता है कि नहीं हिलता। मैं अकेला सामना कर सकता हूँ, मगर सच्चा दोस्त कम खतरे में होते हैं, ये समझना बहुत ही मुश्किल है। दुश्मन दोस्ती की नींव हिला देता है और ऐसी दोस्ती को निभाना किसी मौत से कम नहीं। अब हम दोनों के बीच होगी महाजंग। This is war. Commander Rama, Commander. DJ Manu Manana. बाजी मैं जा रहा हूँ दुनिया छोड़ के, मैं नहीं खेलूंगा ऐसे। तुम दुनिया छोड़ के नहीं जाओगे, दुनिया छोड़ के वो लोग जाएंगे जो चीट करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर आके और फेक फेक टेस्टिंग दिखाते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग क्या करते हैं, दरवाजे के यहाँ पर हाथ रख के ऐसे लाश से दरवाजा हिलाते और बोलते देखो पूरा स्पीकर ने दरवाजा हिला दिया। इवन के लोग ऐसे हाथ मार मार के हिलाते हैं। पर मैं फिर से बोलता हूँ कि भाई इन टेस्टिंगों को जो है प्रूव करने के लिए, मैं इसको सही साबित करने के लिए मैंने ऐसे प्रोडक्ट को डिजाइन किया है, ताकि जो आपको फेक टेस्टिंग देते उसको रियल में बदल पाऊं। वहां पर आपको पानी भी हिला के दिखाया, वो भी लोग पास में रख के हिलाते हैं, पर मैंने वहां से 25 फुट की दूरी पे ही करके दिखाया ये काम, सिर्फ इसीलिए कि भाई आप पैसा बड़ी मेहनत से कमाते हो और क्या होता है कि मिडिल क्लास जो है इन चीजों से बहुत परे रह जाता है, क्योंकि उसके पास इतना बजट नहीं बन पाता कि वो बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर जा पाए। और मैंने तो अपने कम प्राइस के अंदर बड़े ब्रांड्स को भी जो है पीछे करके दिखाया अपनी ऐसी इनोवेशन से, सिर्फ इसीलिए कि भाई मैं चाहता हूं कि हर इंडिया का बंदा जो है बेस को फील कर पाए। जो बेस आप लोग जानते हो वो एक्चुअल में बेस नहीं है। अगर आपको बेस की फील लेनी है तो फ्लो बीट्स में एक बार विजिट करो। जो लोग नहीं आ सकते उनके घर तक मैं प्रोडक्ट को पहुंचाता हूं। इवन के आप अगर बात करें तो इस टाइम पे हर तीसरे चौथे घर में हमारा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। भैया मैं तभी सोच रहा था आईफोन से आ रहा, तो आपके हीरा की सीरीज मैं कह रहा हूँ तकरीबन एक साल हो गया, एक साल से बुकिंग चली, अब जाके लॉन्च हुआ है और अब भी कितने दिन की वेटिंग है यहाँ पर? 30-35 डेज की वेटिंग है। जब हीरा 3 प्रो आया था
तब जो है 90 डेज की वेटिंग चली थी हमारी। अच्छा जी। और यहाँ पर 4 के टाइम पे 45 डेज, मगर क्या था कि हीरा 3 के टाइम पे मेरे पास सिर्फ एक ही यूनिट था, हीरा 4 के टाइम पे मेरे पास 3 यूनिट हो गए, और 3 यूनिट से आज हम इतने कैपेबल हो गए कि इनको 30 डेज पे ले आए। फ्यूचर के अंदर हम आपको ऑन स्पॉट भी देंगे प्रोडक्ट जब 6 के टाइम पे आ जाएंगे। पर मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि अगले 10 साल तक का विजन लेके मैं इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। फ्यूचर के अंदर एलेक्सा भी लेके आएंगे, वाईफाई भी आपको सारी चीजें जो है इनबिल्ट देंगे, स्मार्ट जो है आपको एक्सपीरियंस करवाएंगे, अपने टावर स्पीकर को स्मार्ट जो है टावर स्पीकर बनाएंगे। अब बात करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पर आपको 5 इंची मिड रेंज, 4 इंची हाई, 12 इंची सबवूफर मिलता है, 135 मैग्नेट, और वॉइस कॉल इसकी जो है पहले से बहुत हैवी की गई है, इसलिए इसके अंदर ड्यूल मैग्नेट की जरूरत नहीं पड़ी। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पर हीट सिंक की बात करें तो यहाँ पर हीट सिंक देख लीजिए, वन ऑफ दी लार्जेस्ट हीट सिंक जो हमारे द्वारा इस्तेमाल की गई है, जो इंडिया के अंदर कोई नहीं कर पाता। क्यों? कॉस्टिंग से सारे लोग डरते हैं, लोग बोलते हैं कि 100-100 रुपए बचा के शायद हम कुछ बड़ा कर लेंगे, पर मैं फिर से बोलता हूं चीज बढ़िया लगाओ, पैसे जो है कस्टमर से मांग के ले लो, वो जरूर देगा आपको। और इसकी हाइट की बात करें 14 इंच हाइट है इसकी, और 16 इंच इसकी डेप्थ है। फ्रंट की बात करें तो आपको जो है 14 इंच की फ्रंट मिल जाता है, और यहां पर देखो कि जब हमने इसको चलाया तो ये भी यहां से गिर चुका है, जो कि पूरा ऊपर से आया नीचे। ओके, तो देख लो दोस्तों, छते एक दिन भैया ऐसा आएगा भैया लेंटरी गिरा देंगे यहाँ पे, वो भी मेरा विजन है फ्यूचर के अंदर। ये फ्रीक्वेंसी से होता है, ये बड़ी लंबी स्टोरी है, अगर आपने फ्रीक्वेंसी मैच कर दी तो बिल्डिंग गिराना भी कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो एक अलग चीज है। हमारा काम है आपको होम ऑडियो का एक्सपीरियंस करवाना। भाजी अमेरिका के बाद अब ये भैया हीरा 4 मांग रहा है, अमेरिका के जो आगे लड़ाइयां चल रही है कि हीरा 4 बोलो, बम रॉकेट वॉकेट नहीं भेजने, बस हीरा 4 भेजो उनके ऊपर, हीरा 5 भेजो, और सारा साउंड एक्सपीरियंस करने की चीजें हैं। मैं तो बेस लवर वालों के लिए हूँ कि जिनको बेस के शौकीन लगते हैं, उनको लगता है कि यार बेस जो इसमें चाहता था वो मेरे को अभी तक नहीं मिली, वो मैं बोलता हूँ मेरे पास यहाँ पर आ जाओ, आत्मा तृप्त करके भेजूंगा आपकी। बिल्कुल। तो दोस्तों अगर आप भी लेना चाहते हो इस तरीके के तगड़े तगड़े बेस के अपने स्पीकर्स, तो आप आ जाओ फटाफट से फ्लो बीट्स पे, बिल्कुल वेट ना करो क्योंकि लिमिटेड टाइम ऑफर यहाँ पे भैया ने लगा दिया है और बेस्ट रेट लगा दिया है। अभी तो 30-35 दिन की वेटिंग चल रही है, बट पहले और बहुत ज्यादा वेटिंग थी, लेकिन अब आपके लिए आया है बहुत कम टाइम में, आपके घर तक पहुंचा देंगे हीरा 5 प्रो। मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि अपनी जो है बुकिंग्स करवा के आए, कि आप डायरेक्ट यहाँ पर आए थे, यहाँ बोलते हो हमें नहीं पता था, तो मैं वीडियो के अंदर बार बार बोलता हूँ कि अपनी बुकिंग्स करवा के आओ। और अगर आपको माइक वाला चाहिए तो माइक वाले ही अपनी बुकिंग कराओ कि मुझे माइक वाला चाहिए, उसकी जो कॉस्टिंग होगी आपको बता दी जाएगी। बाकी आपके घर में फंक्शन है, आपके घर में जो है शादी का माहौल है, या बर्थडे का कोई फंक्शन है, या कोई भी आपके घर में फंक्शन है, या आपके वहां पर जो है फेस्टिवल है, तो भाई अपना 35-40 दिन का बफर लेके चलना इन प्रोडक्ट्स के लिए। कॉमन प्रोडक्ट चाहिए, नॉर्मल प्रोडक्ट चाहिए तो कहीं से भी ले लो, मगर एक ऐसी चीज चाहिए कि भाई जब उसके सामने फील करो उस बेस को, तो प्राउड भी फील करो साथ में कि भाई मेरे पास वो प्रोडक्ट है। तो याद रखना टाइम आपको देना पड़ेगा, और टाइम की ही मैं कीमत लेता हूं, और टाइम की कीमत का ही आपको प्रोडक्ट देता हूं मैं। बिल्कुल। तो दोस्तों अगर आपने परचेज करना तो फटाफट स्क्रीन में नंबर देकर कर सकते हो परचेज। और बात रही हीरा 5 सीरीज की, तो इसको फटाफट से आज के आज ही बुक कराओ, आपको तभी जल्दी जल्दी ये सेट मिल पाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और बहुत ज्यादा मजा करा होगा आपने, इंजॉय करा होगा वीडियो में। तो ये थी आज की पूरी वीडियो, मैं मिलता हूँ आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।